हुनोज मॉम बेटर कर चुके हैं, तो आपने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हुनोज आयु बेटर करूं, तो आ गए आज हम हुनोज आयु बेटर के लिए। गाइस आपने मेरा हुनोज अनु बेटर बहुत पसंद किया और आपको पता ही कौन जीता था, मम्मा। और इस बार तो मम्मा नहीं जीत पाएंगी क्योंकि दो बार जीतना अच्छी बात नहीं है, तो इस बार मैं जीतने वाली हूँ, है ना आयु? पता नहीं, आयु को मैं इतना तो जानती हूँ, आयु बहुत दयालु है, बहुत इमोशनल है, बहुत हेल्पिंग है। अभी लॉकडाउन में सारी मदद मुझे आयु करती रहती है हमेशा। थैंक यू मम्मी तारीफ करने का। अनु भी करती है बट अनु को ये सब चीजें कम पसंद है। अनु को जैसे वो क्रिएटिव है तो उसको कुछ पढ़ना लिखना कुछ बनाना ये सब पसंद है। अग्रीड पापा। Yes. तो पहला सवाल है, अगर मैं एक दिन कोई ऐसी जगह रह सकती तो मैं कौन सी जगह में रहती? कोई भी जगह हो सकती है वो, मुझे मालूम है, मुझे भी पता है। ये एक बार हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। हम दोनों का सेम चीज है, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। मैं आपको बताती हूँ क्या था जब मैं आंसर लिख। चलो मम्मी लिखो, पर्पल से लिखो, मुझे पर्पल बड़ा अच्छा लगता है। चलो देखते हैं सब क्या लिख रहे हैं। वाह अनुष्का अपनी हैंडराइटिंग पे फोकस कर रही है। थैंक यू। फोकस करिए, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छी हैंडराइटिंग है। चलो हो गया। अच्छा चलो फिर अपने आंसर्स बताओ। 3, 2, 1 गो। मॉल। गेम खेलना चाहती है पूरा दिन मॉल में। ओह नो। नहीं मॉल में क्यों नहीं मेंशन किया आपने? अरे वही मतलब गेम जोन में जाना चाहती हूं ना। शॉपिंग भी करना चाहती हूं। आई को अरे गाइस मैं आपको आज एक सीक्रेट का खुलासा करती हूँ। आयु क्या है ना, अपने दोस्तों के साथ 30 नहीं सब्जी के कपड़ा खरीदो, बोले अरे यार मैं पैसा लाना भूल दी, फिर ये सोचती है नहीं चलता है ना, हम जाएंगे ड्राई रूम में कपड़ा ट्राय करेंगे, 2-3 फोटो ले लेंगे, बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं लगा फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा मैं अक्सर मेरे दोस्तों के साथ करती हूँ जब मतलब ऐसी मजे लेने के लिए। ये बड़ी अजीब बात है। तो एक ही बात हुई, मैं मॉल नहीं लिखी, तुम बोलती हो ना मुझे ट्रैम्पोलिन पार्क जाना है। एक्चुअली सही आंसर तो अनुष्का का है। चलो गेम तो क्या इतनी बड़ी कैटेगरी है गेम, आपको ट्रैम्पोलिन पार्क या तो मॉल से मेंशन करना था। अब आप कैसे नहीं जानते कि मुझे शॉपिंग करना बहुत 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 ज्यादा पसंद है। ये वाला आंसर अनु का सही है। हाँ तो अनु को 1 point, ट्विन टेलीपैथी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा हॉबी क्या है। हॉबी तेरे पास तो कितना सारा ऑफिस है। वही मुझे भी नहीं समझ में आता क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग में इसका क्या रहता है ना, अभी देखो गिटार है, गिटार हो जाएगी पक गई, नेक्स्ट हॉबी प्लीज, मतलब वो थैंक यू नेक्स्ट गाने, थैंक यू नेक्स्ट। चलो माँ आप मेरी होप्स नीचे मत करो, माँ बेटी का कनेक्शन। 3, 2, 1 गो। वेट लॉस। बचपन से हमें कहता है हम लोग पहले खाना खाएंगे ब्रेकफास्ट, फिर भूख हड़ताल, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे लंच का खाना खाएंगे, फिर भूख हड़ताल, फिर डिनर खाएंगे, फिर भूख हड़ताल, अगले दिन खत्म कर देगा भूख हड़ताल। ये अनु आयु वर्जन ऑफ भूख हड़ताल। हाँ दोनों को 1-1 point। हाँ 2-1 लीड में है अनुष्का। तो गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या है कि मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ। इजी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स उतना देखती नहीं हूँ, मैं शांति से बैठी नहीं रह सकती, मैं कुछ ना कुछ काम तो करती ही रहती हूँ। हाँ, है ना? हाँ, तारीफ करो थोड़ी देर वापस। सबको चलो मम्मी बैडमिंटन खेलते हैं, चलो एक्सरसाइज करते हैं, या और कुछ नहीं है तो किचन में ही बोलते मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ, इसको कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो ये कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहती है। मम्मी की कुछ क्वालिटीज मेरे अंदर भी है जैसे कुकिंग करना। हाँ कुकिंग इसको पसंद है। ये क्या चल रहा है, तो मदर और टेलीपैथी चल रहा है, दोनों टेलीपैथी कर रहे हैं। oh, no. सेम अभी ये दूसरी बार है जब सेम लिखा जाएगा, क्योंकि हम दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं। कोई कोई बातें ऐसी हैं जो अनु जानती है मैं नहीं जानती। ओके चलो आंसर दिखाओ। 3, 2, 1 गो। टिकटॉक। आई कैसे तो थी ना मैं यहां की शहजादी। हाँ गाइस मैं टिकटॉक बनाती हूँ, या तो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, या तो मतलब डिसाइड करती हूँ कि क्या वीडियोस बनाना है नेक्स्ट, सब प्लानिंग करते हैं। अभी फ्री टाइम में कुछ काम का काम करना चाहिए। ये देखो गाइस मैंने टिकटॉक में आई
आयु को बनाया ऐसे ऐसे करते हुए, और ये देखो फोन का स्टैंड भी इधर है फोन के साथ, कितना अच्छी है। मतलब हम दोनों फिर से मम्मी कम ऑन जीतो लीड लो। ये क्या अपनी मम्मा को सपोर्ट कर रही है अपने बहन को नहीं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मुझे पढ़ाई तो बहुत पसंद है बट सब्जेक्ट कौन से ग्रेड का, 9th ग्रेड का, 8th ग्रेड का, सारे ग्रेड, सारे ग्रेड्स, कोई भी ग्रेड। मुझे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता मुझे मालूम है। ठीक है मैं पता नहीं आप लोग को लगता है क्या, मुझे बहुत अच्छे से जानते हो बट कभी कभार होता है। 3, 2, 1 गो। बायोलॉजी। इसको साइंस में केमिस्ट्री पसंद ना। बायोलॉजी अनुष्का सही है। मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपको हर रोज क्लास के बाद बोलती हूँ मैं केमिस्ट्री में बहुत बोर हूं। मैं हार गई फिर से। ये देखो गाइस मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है। मैंने इंटेस्टाइन ड्रॉ किया। मुझे वो लगा वो है ट्यूब। ये कौन सा ट्यूब है? मतलब आनु ने 4 पॉइंट ले लिए। हाँ। और आप अभी तक 2 3 लिया। नहीं मैं 3 थी आप 2 थे ना। अच्छा 2 हारी। हाँ ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे कलर तुमको पसंद है। मैं मुझे बदलती रहती हूँ मेरे कलर। वही इसको 2 महीने बाद चेंज हो जाता है। अभी ये नहीं ये कलर पसंद। मैं एक समय में एक चीज बिल्कुल टिकी नहीं रह सकती हूँ। आयुष्का ने पहले बहुत पहले इस वीडियो में हिंट दिया था। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से देखोगे तो आपको मिलेगा वो हिंट। आप भूल गए आयु ने आपको ही बोला था। लेकिन वो कलर नहीं है इधर। चलो कोई नहीं। 3, 2, 1 गो। फिर मुझे याद आया इसे तो पहले ही बता दिया मम्मा को। मैं तो ध्यान ही नहीं दी। पहले मुझे पिंक पसंद था, फिर ब्लू हो गया, फिर ब्लैक है। मुझे बहुत तो बोल रही थी रोज चेंज होता है तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूं। गाइस ये तो इंडिया के क्लाइमेट की तरह, पहले कभी गर्मी होती कभी ठंडी कभी बारिश, तो इसका कभी ये कलर कभी वो कलर कभी एक कलर। ओ अब इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, मेरा फेवरेट सीजन क्या है। ये मुझे मालूम है। ये तो हमको नहीं पता है। ये मुझे मालूम। 3, 2, 1 गो। अनु द ग्रेट। अनु द ग्रेट। हम दोनों आपस में मैंने किसको लिखा लिखे सही जवाब मैं बताती हूँ किसका है। किसी का नहीं पापा है। हाँ इसका मतलब आज से मैं तुमको प्यार नहीं करूंगी तुम पापा को। मैं भी तेरे रात की बात नहीं सुनूंगी कितना अनफेयर है। तो पापा मेरे बहुत डिफिकल्टीज फेस करने के बाद इधर इतने अच्छे ग्रेट बिजनेसमैन बन चुके हैं। हाँ और ये भी है कि पापा को जितना भी मतलब मुश्किलें हो जितना भी डिफिकल्टीज फेस करे वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते। मैंने उन्हें आज तक कभी भी रोते हुए नहीं देखा है क्योंकि वो रोते ही नहीं है तो हंसते ही रहते हैं। अगर मैं उनसे गुस्से होंगी वो हंसने लगे बस उसे कह रही है क्या बात है मैं गुस्सा आ रहा थोड़ा तो भाव दो। सही बात है हमारे घर में अगर पापा इनके रहते हैं तो ऐसा लगता है 10 लोग भरे। हाँ गाइस तो अभी नेक्स्ट सवाल ये है कि मेरा फेवरेट फास्ट फूड क्या है। इजी पीजी क्योंकि हर सेकेंड इसका तो फेवरेट मूवी वाला भी आता है मुझे मतलब इतना इरिटेशन है। ओ हाँ मेरी फेवरेट मूवी भी एक सवाल पूछ सकती हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल यही होगा। हाँ चलो तो फेवरेट फास्ट फूड ना मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो मेरे सामने रख दी गई तो मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जाएगा मैं सीधा खा जाऊंगी। मेरा हो गया ये क्या ये तू है। रेडी 3, 2, 1 गो। पिज्जा।
ये एकदम सही कहा, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, स्पेशली चीज बॉस पिज्जा। ओह माय गॉड, ये देखो ये मैंने आयु को पैकमैन बनाया और इधर पिज्जा। आप देखते हैं ना पैकमैन ऐसे जैसे टुबुक 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 खाता रहता है, तो पिज्जा अगर 10 साल में लगे ऐसे टुबुक 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 सब खा जाती है, गप 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 गप। हां गाइस, तो मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इस अनुष्का ने कहा था कि मेरी फेवरेट मूवी क्या है। मुझे बहुत सारे पता है। हिंदी है कि इंग्लिश? हिंदी हिंदी हिंदी। इसकी फेवरेट मूवी गोलमाल? ओह नो, नहीं कुछ कुछ होता है गाइस। ये जो मम्मी ने लिखा है ये आपको क्या दिख रहा है? आपको गोलमाल दिख रहा है, 901 बॉल दिख रहा है। मुझे कुछ नहीं पता कौन सी मूवी पसंद है, तो मैंने लिखा 901 बॉल। हाँ अनुष्का का आपको ये सही है, मैं इसे इतने दिनों से कह रही कि मैं सारी मूवी देखी देखती नहीं है, लेकिन जब तुमने देखा नहीं तो कैसे पसंद होगी? देख चुकी हूँ बहुत पहले, मतलब बहुत बार देख चुकी हूँ, बट वापस देखने का भी तो मन करता है। अरे गाइस मैं सोचती हूँ चलो ये मूवी देखते हैं, आज को इंग्लिश मूवी देखते, कुछ नई मूवी देखते है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। हाँ मतलब आप तुम दोनों प्लानिंग करके आई हो कि मम्मी को हराना है। मुझे इतना पता क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, और रात को मेरे सपनों में भी ये गुंजती रहती है, मुझे ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। अच्छा मतलब पूरी रात तुम लोग यही प्लानिंग करती हो। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये? ऑफ कोर्स मैं बहुत फूड पसंद करती हूँ, तो फूड के बारे में ही है। तो मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है? ये तो आसान है ना, इतने सारे इसको पसंद है। अच्छा एक हिंट देती हूँ आप लोगों को, जो लग रहा है वो नहीं है। इसको सारी चीजें एक नहीं पसंद होती है, बहुत सारी। तो कैसे मुझे जो लग रहा है, मैं ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ओपन है, तो मैं सब बता देती हूँ, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, ये खाने में पसंद है। फिर मम्मी कंफ्यूज आती है कि ये वाला मैं विश्वास करूँ कि वो वाला, अभी कौन सा करंट फेवरेट होगा? क्या हो सकता है? दिमाग में चल रहा है। थ्री टू वन गो, ऑल आइसक्रीम, सारे आइसक्रीम। नहीं मैंने ओरियो बोला, ये स्मार्टनेस चलेगी नहीं, एक फ्लेवर चूज कर अनुष्का भी, ऑल आइसक्रीम। वो तो मैं भी जानती हूँ सारी आइसक्रीम पसंद है, एक तो बताना होगा ना। मम्मी ने ओरियो बोला तो ओरियो नहीं बोल सकती। ठीक है आई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में 80-90 पूरे 100-100 में से निकला धागा, आयु निकल के भागा। आप दोनों ही गलत हो, मुझे कॉफी फ्लेवर बहुत पसंद है। हाँ कॉफी वॉलेट। अबे कॉफी कब से आती है और भी जाती थी। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, तो कॉफी वॉलेट फ्लेवर अच्छा लगता है मुझे। हाँ लगता है ये अभी जल्दी में आया। तो आज तो मुझे अनु ने हरा दिया, दोनों ने मिलके प्लानिंग की थी। नहीं तो गाइस अगर आप चाहते हो कि पापा इस वीडियो में आए और हु नोस पापा बेहतर करे, तो प्लीज हमारे वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए और 30K लाइक्स तक पहुंचा दीजिए हमारे वीडियो को। और हाँ सबके साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप चाहते हो कि हम लाइव जाए इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक या यूट्यूब पे ही। हाँ गाइस जैसे आप मम्मी सपोर्ट किए 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने के लिए, वैसे हमारी मम्मी के चैनल को भी 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो और हमारे चैनल को 1 मिलियन तक, क्योंकि हम लोग उधर भी साथ में चैलेंज करते हैं, तो देखना बिल्कुल मत। फैमिली चैलेंजेस बहुत मजा आता है।